साथ मौजूद हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा। ग़ुलाम मुस्तफ़ा वाइपर बनाते हैं और गाड़ियों के वाइपर बना के अपना गुज़रात करते हैं, और इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। मजदूरी कर रहे हैं, वाइपर लगाते हैं इस कमर्शियल मार्केट में। तकरीबन आज से 5-6 साल हो गए इधर ही काम कर रहे हैं, लेकिन पहले भी इधर ही काम करते थे, खुश होकर रोज़ी कमा के घर जाते थे। जिधर हम 300 का वाइपर लगाते थे ना, अब गाहक आवाज़ भी नहीं सुनता हमारी। हम 200-250 भी कहते हैं नहीं, क्यों 150 रुपये का हमें मिलता है। अगर सारा दिन हम मजदूरी करते हैं, सारी पूरी कमर्शियल मार्केट में घूम फिर के, फिर जाके कहीं शाम को 400-500 रुपये कमाते हैं, लेकिन कस्टमर हमारा ये भी ख्याल नहीं करता कि यार गरीब बंदा रोड के ऊपर फिर रहा है कि वेपर लगवा लूँ यार इसे, ठीक है। और हम हमेशा हमारी कोशिश ये होती है कि हम कस्टमर को अच्छा काम करके दें, ठीक है। दुकान पर जाता है कस्टमर, चीज़ के पैसे भी ज़्यादा भर के आता है। मुझे हो गए कोई 4-5 साल हो गए हैं मैं ये काम करता हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो पहले जैसे हमारी रोज़ी चलती थी, गुजरोकार होता था अच्छा खासा, तो अब वैसे नहीं होता है। अब बहुत मुश्किल से ही 400-500 रुपया 600 रुपया कमाते हैं, सारा दिन धूप में फिर के मजदूरी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिक भी की हुई है, पाकिस्तान में नौकरी मिलती नहीं है, मैट्रिक की कोई औकात ही नहीं रह गई है, आगे गरीब का बच्चा कैसे पढ़ सकता है। अब ये भी लाजमी है, पेट अल्लाह ताला ने लगाया हुआ है, रोटी के पीछे ही मजदूरी करनी तो पड़ेगी। 4 भाई हैं, सबसे बड़ा मैं ही हूँ, 3 मुझसे छोटे हैं। अबू भी यही काम करते हैं शुरू से, अबू अब बूढ़े हो गए, उनसे काम नहीं होता, वो घर बैठते हैं, समझो अब घर मेरे ऊपर ही है, ठीक है। अब शौक़ तो मेरा बहुत है पढ़ने का भी, आगे फर्स्ट ईयर में मैंने दाखिला लिया था पर मैं लेट हो गया हूँ, मैंने ऑनलाइन दाखिला लिया था तो मेरे एक साल ज़ाया हो गया, ठीक है। अब मैं इंशाल्लाह अगले साल एडमिशन लूँगा, साथ साथ पढ़ूँगा भी, मेहनत भी करूँगा, कामयाबी नाकामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला अच्छा वक्त लाएगा, और ऊपर से ये वायरस भी आ गया है जो कोरोना वायरस है, ये पूरी दुनिया में पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नाजिल हुआ है या अल्लाह बेहतर जानता है। पहले चलो अच्छी रोज़ी हो जाती थी, अब ये है कि वायरस की वजह से लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं सर, हमारी रोज़ी और भी कम हो गई है, तो अल्लाह ताला इस वायरस को कोई दूर करे। एक ये मास्क पहले 5-10 रुपये का मिलता था जो हम मुंह पे लगाते हैं, ये अब लोगों की मजबूरी हो चुकी है, और इस मजबूरी का ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं मेडिकल स्टोर वाले हो गए हैं, कॉस्मेटिक्स ये जो भी हैं, लेकिन इन्होंने बिज़नेस बना लिया है, वायरस को भी इन्होंने बिज़नेस बना दिया है। अब गरीब बंदा हम 10-20 रुपये तक की चीज़ ले सकते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से, परदेसी हैं हम, यहाँ के भी नहीं है, हम पीछे से मुल्तान शहर के हैं, तो फैमिली वहीं है, इधर आके हम रोज़ी कर रहे हैं, घर का सर्कट अल्लाह ताला चला रहा है हमारा, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है अब क्या होगा क्या नहीं। गरीब आदमी कहीं नहीं जा सकता है। पहले हम 1000-1500 रुपये की रोज़ी कर लेते थे, ठीक है, अब ये है, अब कस्टमर ये समझते हैं कि ये पता नहीं फ्री के लाते हैं या क्या करते हैं। मसला ये है कि वक्त के साथ इंसान चेंज हो जाता है, तो वक्त के साथ दुनिया भी चेंज हो गई है हमारा, इधर पाकिस्तान में नौकरी का कोई है ही नहीं सीन, इस वजह से हम फिर तुर के मेहनत करते हैं, तो बहुत मुश्किल से हमारा गुजारा होता है। पहले जैसी भी हुकूमत थी, हुकूमत ने हमें कुछ नहीं देना है, हम फिर भी वाइपर ही लगाएंगे, हमारी ये उम्मीद बन चुकी है कि हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी हम अपील करते हैं हुकूमत से कि गरीबों का एहसास करें, ठीक है, और रोज़गार में आसानियाँ पैदा करें, तो यही हमारी गुजारिश है। और परदेसी आदमी हम मजदूर बंदे हैं, हमारा 500-1000 रुपये का सिर्फ खर्चा ही है डेली का, आपको पता है 100 काम होते हैं आदमी को, खाना पीना ये वो, घर वाले पीछे से ये सोच रहे हैं कि जी पिंडी शहर में गए हुए हैं, काम कर रहे हैं हमारे बेटे, लेकिन ये उनको नहीं पता कि रोज़गार बहुत हद तक ख़त्म हो रहे हैं, रोज़गार भी ख़त्म हो रहे हैं पाकिस्तान में।